अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वह है ऑब्जर्विंग इद्दत फॉर कंपल्शन ऑफ डिवोर्स। ऑब्जर्विंग इद्दत फॉर कंपल्शन ऑफ डिवोर्स। देखिए, डिवोर्स को कंप्लीट करने के लिए इद्दत करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि हामला औरत की डिलीवरी पर इद्दत खत्म हो जाती है। ये अगर कोई प्रेगनेंट वुमेन थी तो जो वो उसकी डिलीवरी के बाद उसकी इद्दत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर 3 महीने जो सबसे ज़्यादा का अरसा हो उसमें इद्दत कंप्लीट हो जाती है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 कहते हैं, यानी 3 महीने या फिर डिलीवरी है तो फिर डिलीवरी के बाद, यानी जो सबसे ज़्यादा अरसा होगा उस सूरत को, उस अरसे को काउंट किया जाएगा। अज़दवाजी तनाज़ात के हल के लिए देखें एक सालिस मुकर्रर किया जाता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल के थ्रू भी होती है, तो इसलिए भी ये इद्दत रखी जाती है ताकि अगर आपके दरमियान कोई सालसी हो सकती है, कोई रिकन्सिलेशन हो सकती है उस डिवोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुई तो इद्दत जो गुजारी जाती है वो इसीलिए होती है कि अगर आपकी कोई रिकन्सिलेशन पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी कोई सुलह हो सकती है तो उस सूरत में भी ये इद्दत की जाती है ताकि आप लोगों की सुलह हो जाता है। देखें, कुरान मजीद की सूरत अन्निसा है, आया 35 है, उसमें क्लियरली तौर पर यह कहा गया है कि आप सालिस मुकर्रर करें एक वाइफ से और एक हस्बैंड की तरफ से, सालिस मुकर्रर कोशिश करें उनकी रिकन्सिलेशन हो जाए, सुलह सफाई हो जाए और ये दोबारा से रुजू कर लें। और इसमें हम कानून भी देखें, NNLR 1988 क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट पेज है 355, उसमें यही कहा गया है कि आप अपने जो अज़दवाजी जो आपके तनाजात है उसको हर्ज करने के लिए अपने किसी सालिस का मुकर्रर करें। देखिए, तलाक 90 दिन में मुअस्सर होती है, 3 महीने के में जो है वो मुअस्सर हो जाती है, अगर उसको कैंसिल ना करा दिया, अगर 3 महीने से पहले उस डिवोर्स को कैंसिल करा दिया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगी और मुअस्सर नहीं होगी, अदरवाइज 3 महीने के बाद वो डिवोर्स जो होती है वो मुअस्सर होती है। रूलिंग हम आपको दे रहे हैं NLR 1995 SD पेज 558 है। देखिए, अगर डेलीगेटेड पावर दी गई है, डेलीगेटेड पावर डिवोर्स की दी गई है, उस सूरत में औरत कैंसिल कर सकती है। ऑफ कोर्स वो डिवोर्स औरत ने दी है, उसको डेलीगेटेड पावर्स थी, वो उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दी तो वो डिवोर्स को कैंसिल कर सकती है। और तलाक अगर है तो तलाक की सूरत में खावंद उसको कैंसिल करेगा, अगर डेलीगेटेड पावर की तलाक है तो उसको बीवी कैंसिल करेगी। और इसके अलावा शौहर की तरफ से इकरारनामा, तलाक या तहरीरी अगर वो लिख के दे दिया जाता है तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं उसके लिए वो अलहदा से नोटिस दे, जो लिख के दे जाता है उसको कहा जाता है ये नोटिस है। NLR पेज 1992 है, NLR 1992 SD पेज 502 है, इसमें यह कहा गया है। देखिए, नोटिस देने का मकसद यही होता है कि सुलह कर लें, अगर आप सुलह करना चाहते हैं यानी डिवोर्स की तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस पर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो आप सुलह कर लें, मकसद यही होता है डिवोर्स का नोटिस देने का। इस्लामी कानून के मुताबिक भी इद्दत का मकसद यही है कि सुलह कर लें, सुलह हो जानी चाहिए इद्दत का मकसद। खैर, बेसिकली सुलह या बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इद्दत का मकसद ये होता है कि अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो क्लियर हो जाए, और इसका एक मकसद ये भी है कि अगर सुलह करनी है तो आप सुलह भी कर लें। और कानून में नोटिस अगर नहीं दिया तो भी तलाक ऑफकोर्स 3 महीने के बाद मुअस्सर हो जाती है। अगर तलाक दे दी और शौहर ने यूसी नहीं गया शौहर, तो उसका मकसद ये था कि उसने उस डिवोर्स को कैंसिल कर दिया है, उसके लिए रूलिंग भी हम दे रहे हैं NLR 1989 SCJ 355, उसमें यही कहा गया है। तो ऑब्जर्विंग इद्दत फॉर कंप्लीशन ऑफ डिवोर्स को कंप्लीट करने के लिए इद्दत की जाती है, सुलह सफाई भी हो सकती है और उसको कंप्लीट भी किया जा सकता है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत है, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।